हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ विक्टर एस्टफेव की लिखी एक स्टोरी द टैबू। तो बेसिकली ये एक रशियन स्टोरी है और टैबू का मतलब है किसी चीज़ की मनाही। दोस्तों, हम ऐसा देखते हैं कि किसी फैमिली में या फिर किसी सोसाइटी में, किसी कंट्री में या किसी रीजन में कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी मनाही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी फैमिली में कोई स्पेसिफिक रंग को लेके एक टैबू होता है या किसी फल को लेके, एक पेड़ को लेके, तो ये किसी भी तरह का टैबू हो सकता है और उसके साथ रिलेटेड कोई ख़ास काम होता है जिसकी मनाही होती है। तो ये जो स्टोरी है, ये चेरी ट्री के फलों को लेके एक टैबू है रशिया के किसी गांव में। तो हमें ये बताया गया है कि उडारका नाम की एक औरत अपने बचपन से लेके आखिरी वक्त तक एक टैबू के अंडर अपनी ज़िंदगी जीती है, जिसके तहत वो चेरी ट्री का कोई भी फल सारी ज़िंदगी नहीं खा सकती। उसकी फैमिली में, उसके एरिया में ये एक कस्टम है। तो देखते हैं कि ये स्टोरी में क्या है। ये स्टोरी शुरू होती है जब उडारका 7 साल की एक बच्ची है और अपने 7वें बर्थडे पर वो अपने दादाजी के कहने पर उनकी हेल्प से एक चेरी ट्री प्लांट करती है और लाइफ में पहली बार उसे पता चलता है कि एक ट्री प्लांट करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और अपने दादाजी की मदद से एक छोटी सी सैपलिंग को अपने आंगन में प्लांट कर देती है। और दादाजी उसे बताते हैं कि उनके वॉलिन गांव में ये एक कस्टम है कि चेरी ट्री को प्लांट करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। लेकिन जैसे ही फैमिली में किसी की मौत होती है तो उससे 8 साल तक हम चेरी नहीं खा सकते। और दादाजी खुद अपनी बात बताते हैं कि उन्होंने भी एक चेरी ट्री प्लांट किया था जिसको कि वो इस ट्री की माँ कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आज तक उन्होंने उस ट्री में से कोई भी चेरी नहीं खाई क्योंकि फैमिली में कॉन्टिन्यूस डेथ्स होती रही। और वो डार्को को कहते हैं कि उन्हें भी अपनी फैमिली के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके अनुसार ही चलना चाहिए। अब वो चेरी ट्री प्लांट कर दिया और उडारका उसके बढ़ने की राह देखने लगी और उडारका और वो चेरी ट्री लगभग साथ साथ ही बड़े होने लगे। और वो चेरी ट्री, उसका ट्विन ट्रंक था। एक जो ट्रंक था वो मुड़ जाता था थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, लेकिन जो दूसरा उसका तना था वो आसमां की तरफ मुंह किए बस ऊपर बढ़ता जाता था। वो इतना लाइवली था जैसे कि एक खरगोश का कान होता है। दिन ब दिन चेरी ट्री बढ़ता चला गया। पहले वो ग्रास के ऊपर उठा, फिर वो विंडो को टच करने लगा, फिर वो झोंपड़ी की छत तक जाने लगा और फिर वो उससे भी ऊपर हो गया। और धीरे धीरे उस ट्री पर बर्ड्स अपीयर होने लगे और बर्ड्स के बाद फिर बहुत से अट्रैक्टिव फ्लावर्स उस पर आने लगे, मधुमक्खियां उसके पास आने लगी, बर्ड्स आने लगे और लोगों की आंखें भी उसमें से चेरीज तलाशने लगी। मई के आखिर में छोटी छोटी चेरीज वहाँ पे धीरे धीरे अपीयर होने लगी, जो कि वक्त के साथ जूस से भर गई। और वो हर आने जाने से ऐसा लगता था कि कह रही हो कि हमें तोड़ो और हमें टेस्ट करो। एक दिन उडारका एक चेरी पिक करके हैरान हो रही थी इस चमत्कार पे कि किस तरह से लाइफ इतनी पावरफुल होती है कि एक छोटा सा ट्री उसने अपने बचपन में प्लांट किया था और आज उस ट्री में से कितने ही फल और निकलने लगे हैं। और वो ऐसा सपना देखने लगी कि अब वो भी उस ट्री के जैसी ही जवान होने वाली है और उस पे भी बहुत सी निगाहें कुछ तलाश करेंगी। वो इन्हीं अपनी ख्यालों में मगन थी कि उसकी माँ ने उसके हाथ से झटके से चेरी का जो फ्रूट था वो लेके कहीं फेंक दिया और उसको बताया कि किस तरह से उसके दादाजी इसी साल अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते मर चुके हैं। 8 साल तक उस ट्री की चेरी कोई ना खा पाया।
धीरे धीरे वो ट्री कॉटेज से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। हर साल उसमें से चेरी उगती थी और गिर जाती थी। अब उडारका अपने बच्चों को जब इसकी ब्रांचेस में खेलते हुए देखती तो वो ये ध्यान रखती कि वो किसी चेरी को खा न ले। जब उसके बच्चे उससे पूछते तो वो समझ ना पाती उसको कैसे समझाया जाए कि अब उनकी नानी नहीं रही और उनके पिताजी भी नहीं रहे। इस तरह साल दर साल हर साल वो ट्री अपनी चेरीज बरसाता रहा, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था जो उनको पकड़ के खा सकता। 8 साल पूरे होने से पहले एक बार जंग लग गई और उस जंग में उडारका का बेटा शहीद हो गया और उडारका का कोई बेटा अब नहीं रहा। उन रातों में अपने पोते के साथ सोने की कोशिश करते हुए उडारका को ऐसा लगता जैसे वो चेरी ट्री विंडो के नीचे अपने आंसू बरसा रहा है। और फिर उसे लगता कि वो आंसू ऐसे लाल हैं जैसे कि खून, और उडारका के आंसू और उन चेरी ट्री के आंसू दोनों मिल के शायद इस पूरी धरती को जला सकते हैं। यहाँ पे राइटर जंग के पीछे जो घाव छुपे होते हैं, जो आम इंसान को लगते हैं, उसकी ओर इशारा कर रहा है कि एक चेरी ट्री जैसी छोटी सी बात के लिए एक टैबू खड़ा कर दिया गया है हमारी सोसाइटी में, लेकिन जंग जैसी चीज़ को हिलाने वाला कोई नहीं है। जंग किस तरह से मजबूरी बन जाती है और शायद परिवार के परिवार उजड़ने से जो दर्द होता है, यहाँ पे राइटर हमें उस दर्द के बारे में बताना चाहता है। उडारका को ऐसे लग रहा था कि मौतों का सिलसिला तो थम ही नहीं रहा। उसके हस्बैंड की मौत के बाद उसका बेटा जंग में मर गया, उसकी डॉटर जो थी वो किसी बीमारी से हॉस्पिटल में मर गई, उसका ब्रदर एक आपसी रंजिश में किसी और गैंग के हाथों मारा गया, फिर उसकी बहू, उसका भतीजा और बहुत बहुत और लोग वो काल का ग्रास बनते गए। और उसकी ज़िंदगी एक टैबू के अंडर गुजरती जा रही थी जिसमें उसने आज तक उस चेरी का कोई फ्रूट नहीं खाया था। अब उस चेरी ट्री में एक क्रैक सा पियर होने लगा था जिसमें उसके दिल की डार्कनेस नज़र आने लगी थी। उस चेरी ट्री के अंदर कितना अंधेरा था वो दिखाई देने लगा था। अब ट्री ने बढ़ना छोड़ दिया था और ऐसा लग रहा था उसने कस के उस धरती को पकड़ रखा है अपनी जड़ों से, और शायद उसे गिरने से डर लग रहा है। और उसने अपने एक ट्रंक जो कि उसके कॉटेज के आसपास था, उसने उस कॉटेज को क्रश करके रखा हुआ है। और आज तक इतनी चेरीज उस पे उगी हैं लेकिन किसी ने एक सिंगल चेरी भी कोई नहीं खा पाया है। और अब कैसे उसे कोई टेस्ट करता, क्योंकि एक के बाद एक मौतें होती जा रही थी। जैसे ही प्रेजेंट टर्म खत्म होती 8 साल की, तो फिर कोई और मर जाता। तो अब तो इतनी मौतें हो चुकी थी कि उडारका को ये याद भी नहीं था, सब कुछ कंफ्यूज हो गया था। उसे सिर्फ एक ही बात याद थी कि उसकी सारी ज़िंदगी एक टैबू के अंडर पास हो गई है। अब उडारका बहुत बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी और एक बार फिर से तोपों का शोर गूंज उठा और उसने सारी धरती को हिला दिया। उसकी कंट्री ने फिर से टीयर्स और फेयरवेल किसीज के साथ अपने लड़कों को फौज में भेजना शुरू कर दिया। अब वो बूढ़ी औरत बिल्कुल अकेली रह गई थी जब एक बार उसका पोता पेट्रो उसके पास भागता हुआ आया और उसने उसे कस के जकड़ लिया। लेकिन वो डार का कुछ समझ ना पाई क्योंकि वो अब सुन नहीं पाती थी। लेकिन फिर पेट्रो ने अपना हाथ उस दिशा की ओर हिला दिया जहाँ से वॉर के क्लाउड्स हमेशा आते थे। इसका मतलब ये था कि वो भी फौज में भर्ती होना चाहता था। अब वो फौज में चला गया और वो बूढ़ी औरत सारा दिन चेरी ट्री के सामने बैठी हुई ज़मीन पे उसे देखती रहती। एक ट्रंक ने जिसने हाउस को, उसकी कॉटेज को प्रोटेक्टिवली पकड़ रखा था, अब वो ड्राइड हो चुका था। लेकिन दूसरा वाला तना वो उसी दृढ़ता के साथ आसमान की ओर बढ़ता जा रहा था। इस
बहुत एक पावरफुल सिंबल राइटर ने यहाँ पे दिखा रखा है, जिसके तहत वो बताना चाहता है कि जो जिस पेड़ के जिस हिस्से ने घर को बड़ी दृढ़ता से पकड़ रखा था, अब वो सूख गया है, यानी कि अब उस घर में कोई बचा ही नहीं है जिसको कि सहेजा जाए या जिसको अच्छे से रखा जाए। तभी तो वो तना सूख गया हुआ था, क्योंकि घर में कोई नहीं था सिवाय उडारका के। अब उडारका सारा दिन अपने पोते की वेट करती रहती और धीरे धीरे वही ज़मीन पे बैठी सो जाती। अब उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था, चाहे वो पत्तों का शोर था या फिर पंछियों का शोर था। सारा जहान उसके लिए साइलेंट हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे वॉर की आवाज़ें, तोपों की आवाज़ें सुनाई देती थी। और उसे ऐसा लगता था ये आवाज़ें उस पेड़ के तने में से आ चुकी हैं जो उसने एक बार प्लांट किया था। एक दिन वो ऐसे ही ऊंग रही थी तो उसे अपने शोल्डर पे एक टच फील हुआ। ना चाहते हुए भी उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने एक विस्कर्ड आदमी, एक बड़ी बड़ी मूछों वाला एक फौजी खड़ा है, जो कि चेरी ट्री को पॉइंट करके उसे कुछ समझाना चाह रहा था। लेकिन उडारका ने उसे अपना पोता पेट्रो समझ लिया और पेट्रो पेट्रो की आवाज़ें लगाने लगी। फिर उससे पूछने लगी कि मेरा पेट्रो कहाँ है, लेकिन वो समझ ना पाया कि वो क्या बोल रही है। फिर चेरी ट्री की ओर प्लांट करके उसने कहा कि इस पेड़ को काट डालो, यही हमारे दुख की वजह है, इसे काट डालो। सोल्जर्स ने वो ट्री को काट दिया और उसके सारे तने के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे फेंक दिया। जब वो सोल्जर्स तने को लेके जा रहे थे तो उसका एक हिस्सा उडारका की तरफ था, जो कि अंदर से एक बंदूक की नली की तरह बिल्कुल खाली था, हॉलो था। शायद राइटर इससे भी हमें यही इशारा देना चाहता है कि जिस तरह से गन की बैरल, गन की जो नली है, वो अंदर से खाली होती है और वो सिर्फ विनाश लेके आती है, तो उसी तरह उडारका ने अपने मन में ये वहम पाल लिया था कि ये जो विनाश है वो हो सकता है इस ट्री में से आता हो, क्योंकि वे इस ट्री का जो तना था वो भी अंदर से गन की नली की तरह ही खाली था। अब जो वो लोग थे उन्होंने वहाँ पे एक गन प्लांट करनी थी, क्योंकि जंग लगी हुई थी। तो उस जगह पर जहाँ पे उन्होंने चेरी ट्री को काट डाला, वहाँ पे उन्होंने एक गन प्लांट कर ली। अब जब ट्री को काट डाला तो वहाँ पे बहुत सारी चेरीज उस पेड़ पे से नीचे गिर पड़ी, और आते जाते वो उसमें से चेरीज उठा के अपने मुंह में डाल लेते थे। उडारका उनको मना करना चाहती थी लेकिन वो कर ना सकी। फिर उसने कह ही दिया कि आप लोगों को चेरी नहीं खानी चाहिए, ये एक पाप है। लेकिन वो सोल्जर ये ना समझ सके कि वो क्या बोल रही है, लेकिन वो कंटिन्यूसली अपने मन में कुछ ना कुछ बोलती रही। इतने में एक फौजी आया और उसने एक हैंडफुल ऑफ चेरीज उडारका की गोद में भी डाल दी। उडारका अपनी शर्ट को झटकने लगी और ताकि चेरीज गिर जाएं, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि क्या प्रेयर करने से या फिर चेरी ना खाने से ये मौतों का सिलसिला रुक जाएगा। इतनी मौतें हमारे आसपास हैं, क्या वो चेरी ना खाने से थम जाएंगी? और उसने एक चेरी उठा के अपने मुंह में डाल ली। वहां पे खड़े आदमियों ने कहा कि हाँ, यही एक तरीका है, ये सब पाप पुण्य बकवास है, इन सबको भूल जाओ। लेकिन उसे वो वर्ड्स नहीं सुनाई दे रहे थे, वो सिर्फ अंदाजा लगा रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। और ये समझते हुए उसने ये भी नोटिस नहीं किया कि उसने चेरी को गुठलियों समेत खाना शुरू कर दिया। फिर अचानक उसने बहुत सारी चेरीज अपने मुंह में डाल ली, और उसके मुंह में तो दांत भी नहीं थे, वो अपने जॉज को हिला के चेरीज का जूस निकाल रही थी। और एकदम से उस जूस से उसका गला भर आया और वो कहने लगी, बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है। सोल्जर्स ने उसे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ ना पाए कि उडारका को चेरीज कड़वी क्यों लग रही है, जबकि वो बहुत मीठी और स्वीट थी। अब वो जमीन पे लेट के जोर जोर से रो रही थी और चेरीज को कड़वा कड़वा कह रही थी। उन्हें पता था कि जब कोई भी चेरी आंसुओं के साथ मिल जाती है तो वो इतनी स्वीट नहीं होती,
लेकिन वो इतनी कड़वी नहीं होनी चाहिए जिस तरह से ये बूढ़ी औरत बिहेव कर रही थी। थोड़ी देर के बाद एक पड़ोस का आदमी आया और उसने समझाया कि इस गांव में चेरी ट्रीज को लेके क्या टैबू है, और उसने उनको ओडारका की जिंदगी के बारे में बताया और फिर उसके पोते पेट्रो के बारे में बताया जिसकी वो हमेशा वेट करती रहती है। कुछ देर के बाद सोल्जर्स अपने काम पे चले गए और वहाँ पे उन्होंने गन प्लांट कर दी एनिमी की तरफ फेस किए हुए। सारी रात ओडारका को बंदूकों और तोपों की आवाज़ें आती रही, लेकिन उसने सुबह उठ के देखा कि उसका गार्डन खाली हो गया था। सोल्जर्स अपनी गन लेके आगे चले गए थे। गांव में एक सन्नाटा था, लेकिन उडारका के कॉटेज में एक अजीब सी रोशनी थी। एकदम से वो समझ ना पाई कि ये रोशनी क्यों है। जब वो बाहर आई तो उसने देखा चेरी ट्री नहीं था, क्योंकि उस चेरी ट्री की वजह से आंगन से रोशनी उसके अंदर नहीं आ पाती थी। लेकिन अब चेरी ट्री चला गया तो उस लाइट को ब्लॉक करने वाला कुछ नहीं था और उसका अंदर सब रोशनी से भर गया। तो यहाँ से फिर से जो राइटर है वो यही संदेश देना चाहता है कि एक तो वो गन आगे चली गई, गन को बार बार एसोसिएट किया गया है चेरी ट्री के साथ। किस तरह से जब वहाँ से जंग के बादल दूर चले गए, ट्री भी हट गया, तो एक अजीब सी रोशनी ओडारका के अंदर फैल गई, क्योंकि अब वो उस टैबू को इतना महत्व नहीं दे रही थी। तो शायद ये रोशनी एक नॉलेज की रोशनी थी कि उसने ये समझ लिया था कि इस टैबू को निभाने से मौतों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। अब ओडारका एक काम पे लग गई थी, क्योंकि चेरी ट्री की वजह से उसकी वॉल्स बहुत गंदी हो गई थी। जब भी बारिश आती थी तो उसकी बूंदें दीवारों पे टपक पड़ती थी, लेकिन अब उस पेड़ के जाने के बाद वो दीवारें गंदी दिखाई दे रही थी। तो उसने सारी दीवारों को वाइट वॉश किया और फिर जब वो चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी तो अचानक उसके हाथ रुक गए। जहाँ से ट्री कटा था उसकी रूट के पास ही एक छोटा सा पौधा फिर से निकल आया था। उसका मन किया कि उसे काट के फेंक दे, लेकिन उसके हाथों ने उसका साथ नहीं दिया और फिर उसने खुद ही उस पौधे को और अच्छे से मिट्टी में प्लांट कर दिया। बहुत देर तक ग्रैनी उडार का अपने घुटनों के बल वहाँ पे बैठी रही और चेरी ट्री को प्लांट करती रही अच्छे से, और फिर एक प्रार्थना की तरह उसने कहा बहुत धीरे से कि काश तुम्हारी किस्मत पहले वाले चेरी ट्री से अच्छी हो, ताकि तुम्हारी चेरीज कोई खा सके। और यहाँ पे दोस्तों हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों कहानी में राइटर ने बहुत ही खूबसूरती से और इतने माइन्यूटली उस टैबू का एनालिसिस किया है, और वो सिर्फ एक अपर लेवल पे एनालिसिस नहीं किया है, वो साइकोलॉजिकली उस चीज़ का एनालिसिस किया है कि किस तरह से वो टैबू ओडारका के दिमाग के अंदर तक बस गया था कि उसे हर बुरी चीज़ में वो टैबू ही नज़र आता था, चाहे वो पेड़ था या फिर वो जंग के जो जो जंग की बंदूकें या कैनन्स या तोपें थी, उसे दोनों तरफ एक ही जैसा फील होता था। उसे ट्री और गन दोनों एक जैसे विनाश का सिंबल लिए हुए नज़र आती थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।